जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज नवरात्रि के सातवें दिन पर हम आपको लेकर आ गए हैं बड़ी खेरमाई मंदिर में, क्योंकि यहाँ से आधा किलोमीटर बचा हुआ है, हम उसी एरिया में खड़े हैं। तो बड़ी खेरमाई भी बोलते हैं। हाँ, बहुत ही भव्य मंदिर है, पहुँच के आपको दिखाते हैं, बने रहिए वीडियो के साथ। हम लोग पहुंच गए हैं बूढ़ी खेरमाई मंदिर, मतलब श्री बड़ी खेरमाई मंदिर। चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं। ये तो हर बार की तरह का पीने का पानी है। हर बार की तरह इस बार भी हम बड़ी खेरमाई मंदिर पहुंच गए हैं। थोड़ी सा पानी मैं भी ले लेता हूं। और चलिए सर मंदिर। दर्शन हो गए हैं हम लोग को घर पर रह के, अगर आपको भी हो गए होंगे अगर वीडियो देख रहे हो। ये मंदिर में साथ मिला है, हम लोग खा रहे हैं, फिर इसके बाद देखते हैं। मेला लगा पूरा का, हर माल दस आइटम में, हर माल हर 10 रुपये वाला आइटम भी है। यहाँ पे आप शांति से बैठ भी सकते हैं, ये कुर्सियाँ पड़ी हैं। और जस्ट बाजू में एक और मंदिर है नवग्रह। हाँ जी दोस्तों, दर्शन हमने कर लिए हैं, आपने भी कर लिए होंगे। और इस मंदिर प्रांगण की बहुत खास बात लगी हम लोगों को, मतलब गजब का मेला है यार, दुकानों से लेके हर चीज़, ऐसा कोई मेला लगा हो। मंदिर आप अपने आप में एक मेला बना दिया। वैसे तो साल भर रहता है, लेकिन नवरात्रि के टाइम पे ये चीज़ देखने को यहीं मिलेगी, मतलब मज़ा आ गया यार। यहाँ पर भीड़ हमेशा बनी रहती है नवरात्रि में और बढ़ के, और अभी रात होने के बाद तो यहाँ पे जगह नहीं रहेगी खड़े होने के लिए। रात होने के बाद इतना सुंदर लगता है बड़ी खेरमाई मंदिर, आप सिर्फ यहाँ की चीज़ें देख के, जो यहाँ पे चीज़ें लगी हैं लाइट वगैरह और सब चीज़ें देख के समझ सकते हो कि रात में ये क्या लगता होगा। और तैयारी होते जा रही है, अभी कुछ समय पहले आए थे जब ये बना नहीं था, और पूरा कम्प्लीट हो गया और धीरे धीरे और बनता जा रहा है।
मतलब कह सकते हो आप ये रिच मंदिर है, माँ भवानी यहाँ विराजमान है, और साथ ही कई लोगों का पालन चल पालन हो रहा है उन्हीं के जरिए, बड़ी शेरमाई मंदिर, कई लोगों का घर चल रहा है उससे। तो बस मैं यही कहूँगा भाई, आप भी दर्शन करो, चाहे यहाँ की करो चाहे हमारी वीडियो से करो, लेकिन एक बार आना ज़रूर। इसलिए आज की वीडियो यहीं तक, बाकी मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगले कॉन्टेंट के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता।